नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तैयारियों के साथ जोरों शोरों से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और हर सियासी दल ने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। और बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के सीएम भगवंत मान और राघव चड्ढा आज गुजरात में अलग अलग जगहों पर रोड शो करेंगे। वहीं आपको बता दें कि ओवैसी गोधरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारका में सभा करेंगे और मुख्यमंत्री योगी सुबह 11:30 बजे द्वारका पहुंचेंगे और फिर द्वारका मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद करीब 12 बजे सतवारा समाज की वाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात की आदित्यनाथ को लेकर ही खास उत्साह देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब वे मोरबी में पहली सभा के लिए गए थे तो वहां पर उनका बुलडोजर से स्वागत किया गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से गुजरने के बाद दक्षिण के द्वार कहे जाने वाले बुरहानपुर में जिले के ही बोदरली गांव से बुधवार सुबह मध्य प्रदेश में दाखिल हुई और राहुल ने ही सभा स्थल पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाइयों के बीच तिरंगे का हस्तांतरण किए के बाद राज्य में 12 दिवसीय यात्रा की औपचारिक शुरुआत की है। और इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रभात फेरी के रूप में तिरंगे झंडे लहराते हुए बोदरली गांव पहुंचे और करीब 6,000 की आबादी वाले इस गांव में यात्रा के स्वागत के लिए सभा स्थल को खास तौर पर केलों के पत्तों से सजाया गया था, क्योंकि यह इलाका केले की खेती का गढ़ है। लोक कलाकारों ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश पहुंचने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए हैं और राहुल की अगुवाई वाले ये पदयात्रा मध्य प्रदेश में लगभग 380 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेंगे। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे बुधवार को एक दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे और इस दौरे में वे पटना जाएंगे। आदित्य ठाकरे अपने बिहार दौरे में उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिलेंगे। आदित्य ठाकरे के साथ महाराष्ट्र के कई दिग्गज नेता भी मौजूद होंगे और इन नेताओं में सांसद अनिल देसाई और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी शामिल होंगे। आदित्य ठाकरे के बिहार दौरे की जानकारी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के सचिव सूरज चढ़ाण और इसके द्वारा जारी की गई है और आदित्य के बिहार दौरे को तेजस्वी यादव से सचिदा भेंट के तौर पर देखा जा रहा है। मंगलवार को शिवसेना के ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत पत्राचोल घोटाला मामले में ही जमानत मिलने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे थे और यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में अपनी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से इजाजत मिलने की राह देख रहे हैं और संजय राउत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर में शामिल हो सकते हैं और इससे पहले आदित्य ठाकरे भी महाराष्ट्र में राहुल की यात्रा में शामिल हो चुके हैं। पश्चिमी दिल्ली के पालम इलाके में ही बुधवार, आपको बता दें कि रविवार के दिन ही जानकारी सामने आई है, आपको बताते चले कि पश्चिमी दिल्ली के ही पालम इलाके में परिवार के युवक द्वारा 4 सदस्यों की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरी घटना जो है वो पालम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजनगर पार्ट 2 की बताई जा रही है और मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि युवक ने अपने ही परिवार के 4 लोगों की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी है और जान गंवाने वालों में युवक की माँ और बहन के अलावा पिता और दादी भी हैं। इन 4 को युवक ने एक एक करके चाकुओं से गोद डाला और इसके बाद शव के पास ही बैठा रहा। मृतकों में 75 साल की दीवानो देवी और दिनेश दर्शन और उर्वशी सैनी शामिल है और जबकि आरोपियों का नाम केशव है।
आरोपित जो है उसका नाम केशव बताया जा रहा है और हत्या का आरोपित केशव कुछ समय पहले तक नौकरी कर रहा था लेकिन किन्हीं कारणों से उसकी नौकरी छूट गई। वो नशा भी करता था जिसे लेकर परिवार के सदस्यों में उसका लड़ाई झगड़ा भी होता था। इस बीच कुछ समय पहले ही उसका गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप हुआ था जिसकी वजह से वो परेशान भी था। मंगलवार रात को घर के सभी सदस्य जागे हुए थे जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार केशव ने एक एक करके परिवार के सदस्य को मारा था। गुजरात के साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऑपरेशन माफिया के तहत ही पुलिस अतीक अहमद के खिलाफ बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आईएस गैंग 227 के ही सरगना अतीक अहमद की 123 करोड़ की दो संपत्ति गैंगस्टर एक्ट 41(1) के तहत ही आज कुर्क होगी। मंगलवार को डीएम ने संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दे दी है। दरअसल हवेलिया झूंसी में अतीक अहमद ने अपने पिता हाजी फिरोज और चाचा उस्मान अहमद और अफरोज अहमद के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है और इस प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत 123 करोड़ रुपए है और पहली संपत्ति 1.8260 हेक्टेयर हाजी फिरोज और उनके भाई उस्मान और अफरोज के नाम है और जिसकी कीमत 76 करोड़ 16 लाख रुपए है। और वहीं दूसरी जो प्रॉपर्टी है 1.1300 हेक्टेयर उस्मान के नाम है और इस प्रॉपर्टी की कीमत 47 करोड़ 12 लाख 40 हज़ार है। एसएसपी शैलेश पांडे ने दोनों ही संपत्तियों को कुर्क करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी थी और डीएम की तरफ से दोनों ही संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दे दी गई है जिसके बाद आज इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को पुलिस कुर्क करेगी। हालांकि पुश्तैनी ज़मीन के पास वाली 6 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की अनुमति अभी डीएम की तरफ से नहीं मिली है। और इसी खबर पर हमारे साथ दानिश वारसी जुड़ चुके हैं। दानिश वारसी, जिस तरह से खबर सामने आ रही है अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अतीक अहमद बाहुबली भी हैं और माफिया भी हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार इन सब पर नकेल लगातार कस रही है। भाजपा के 2.0 सरकार में कुछ ज्यादा ही नकेल कटी जा रही है। अगर मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो अतीक अहमद का भी मामले में लिस्ट में नाम नंबर है। और जिस तरीके से आज प्रयागराज में डीएम ने 120 करोड़ की संपत्ति बताया जा रही है जिसका आंकड़ा बहुत ज्यादा है। 520 करोड़ की संपत्ति को कुर करने के लिए डीएम ने संस्तुति दे दी है और गैंगस्टर एक्ट के तहत काम करने की भी कार्रवाई शुरू की है। यानी 14(1) के तहत जो कार्रवाई की जा रही है वो गैंगस्टर एक्ट के तहत है लेकिन अभी इसमें जो है मुख्यमंत्री से संस्तुति नहीं मिल पाई। यानी कि डीएम की तरफ से तो आदेश हो गया है 120 करोड़ की संपत्ति को कुर करने का माफिया अतीक अहमद की प्रयागराज में, और दूसरा जो मुख्यमंत्री है अभी मुख्यमंत्री से मुझे लगता है कि शायद इस पे संस्तुति नहीं बन पाई है। ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से शायद वो वार्तालाप करेंगे या इस पे, ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री का शाम तक इस पर फीडबैक आ सकता है। लेकिन ये जो संपत्ति का आंकड़ा है ये 120 करोड़ रुपए मतलब बहुत ज्यादा का आंकड़ा है ये, और इसके जो पूरा साम्राज्य है मुझे लगता है अतीक अहमद का खत्म करने का पूरा जो है फोकस जो है प्रशासन का है उस पर, जिस पर 120 करोड़ की संपत्ति को कुर करने का आदेश डीएम ने किया है 14(1) गैंगस्टर के तहत है। जी जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। फरुखाबाद जा रही मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और वहीं चालक की सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया है। आपको बता दें कि दो तीन पहले ही गिड्डी लेकर हरसिंहपुर गोवा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी आई थी और जिसके बाद मालगाड़ी को फरुखाबाद रवाना किया गया था, जिसके बाद 100 मीटर आगे चलते ही मालगाड़ी के पहिए पटरी से उतर गए। वहीं हादसे को लेकर रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई और हादसे की वजह से फरुखाबाद कायमगंज रेल यातायात बाधित रहा है। हाथरस में बांग्ला जिला अस्पताल का जिला अधिकारी अर्चना वर्मा ने औचक निरीक्षण किया है और अचानक जिला अधिकारी के अस्पताल पहुंचने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं जिला अधिकारी अर्चना वर्मा ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना है। जिला अधिकारी ने ओपीडी वार्ड और महिला जिला अस्पताल सहित इमरजेंसी में भी जांच पड़ताल की है। वहीं निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल में मरीजों की भीड़ है लेकिन कुछ रिसोर्स कम है और साथ ही दवा काउंटर पर दवा ले रहे मरीजों से भी डीएम ने जानकारी ली है।
आज जिला हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया। इसमें काफ़ी सारे जैसे वार्ड्स देखे गए, इमरजेंसी विंग देखी गई जहाँ पे हमारी NRC चलती है उसे देखा गया, SNCU का भी निरीक्षण किया गया। तो चूंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और कुछ रिसोर्सेज कम हैं तो कुछ समस्याएँ, साफ़ सफाई की स्थिति तो तकरीबन ठीक पाई गई। जालौन में लोगों की जान जोखिम में डालकर बिना रोक टोक के ऑटो सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ओवरलोडेड ऑटो और लटकी सवारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी जो है वायरल हो रहा है। वहीं परिवहन विभाग ने इस मामले को लेकर चुप्पी साध ली है। तो आपको जालौन से खबर बता रहे हैं जहां पर ऑटो में लोग लटके हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही परिवहन विभाग जो है वो इस पर चुप्पी साधे हुए नजर आ रहा है। देखिए, इस तरह की जो ऑटो वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, ये ओवरलोडिंग की इसमें तो सामान्य रूप से शिकायतें आती रहती हैं और ये सड़क में दिखाई भी देता है। तो इसमें ओवरलोडिंग में चालान हमारे प्रवर्तन अधिकारी, यहाँ पे दो अधिकारी हैं, वो चालान करते रहते हैं। ओवरलोडिंग में जो है चालान का प्रोविजन है, ओवरलोडिंग का जुर्माने निर्धारित चालान करते हैं, उनसे जुर्माना वसूलते रहते हैं। बस्ती जिले में कल समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती धरती पुत्र दिवस के रूप में मनाई गई और इसको लेकर बस्ती जिला अस्पताल में सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव की अगुवाई में मरीजों में फल वितरित और रक्तदान किया गया है और सपा कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जहाँ पर समाजवादियों के एक मत से इस बात का संकल्प लिया है कि नेताजी के विचारों, उनके कार्यों को गाँव और घर घर तक पहुँचाने की जरूरत है। नेताजी इस देश में समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा थे। आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज उनका जन्मदिन समाजवादी पार्टी रक्तदान करके, वस्त्र दान करके, अस्पतालों में फल फूल वितरण करके और समाज के जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों को भी आवश्यकता हमारे जो नेता हैं उनसे मिले हैं, तो सबको आज के दिन मदद करने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। इटावा में गृह कलेश से तंग आकर पुलिसकर्मी ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली है। पुलिसकर्मी की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिसकर्मी को सेफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर जाँच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार जो है वो भी बरामद कर लिया है। तो आपको बता दें, इटावा से खबर है जहां पर पुलिस कर्मी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि गृह क्लेश से परेशान रहता था पति, जिसके कारण उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और हत्या के बाद खुद को भी गोली मार ली है। फिलहाल अस्पताल में आरोपी भर्ती है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। संभल में विजिलेंस टीम ने छापेमारी की है और विजिलेंस टीम की पुलिस बल के साथ विद्युत विभाग पहुंचा है और वहीं बिजली चोरी में चेकिंग से हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि टीम ने बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई की है। तो संभल से खबर बता रहे हैं जहां पर बिजली चोरों में हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है और बिजली चोरी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ संभल से संवाददाता प्रदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप मिश्रा, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है बिजली चोरी वालों के खिलाफ और इसके साथ ही सख्त आदेश भी दिए गए हैं, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको संभल सदर थाना क्षेत्र का मामला है ये।
मेहनता मार्केट के पास का, यहाँ मतलब विद्युत चोरी की लगातार शिकायत आ रही थी, जिसको मतलब विद्युत विभाग ने अधिकारियों ने और प्रेस की बल लेकर वहाँ छापेमारी की। छापेमारी में काफी संख्या में लोग पकड़े गए वहाँ विद्युत चोरी करते हुए और उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार मतलब शासन के भी मंशा ये है कि विद्युत कनेक्शन के लिए जाए, बिजली चोरी ना हो, लेकिन लगातार विद्युत चोरी हो रही है। लगातार संभल के अंदर लोग कच्चा कनेक्शन डाल देते हैं, उसी को देखते हुए छापेमारी की गई थी। जी प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। संभल जिले के केला देवी में किसानों की सभा को संबोधित करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने ही कहा है कि आज किसान पूरी तरह से गुलाम है और उसे अपनी कमाई की कीमत तय करने का अधिकार नहीं है, इसलिए आज किसान गुलाम है। वहीं भानु प्रताप राकेश टिकैत पर खूब बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत ने आंदोलन के नाम पर किसानों को लूटा है। भानु प्रताप सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टिकैत अपराधी किस्म के हैं और उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। और भानु प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश में जितने भी किसानों के नेता हैं और सभी की सीबीआई जांच कराई जाए, इन नेताओं में वो खुद भी शामिल हैं और उनकी भी संपत्ति की जांच कराई जाए, जिसकी संपत्ति अवैध हो उसे सरकारी खजाने में जब्त किया जाए और अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले किसान नेताओं को जेल में डाला जाए। मिलिट्री की सारी जो मांग हमने बोली है उनको पूरी करवा के ही हम दब लेंगे। नहीं किया तो मैं हूं भारत आंदोलन होगा। आंदोलन जो किसान की बात करेगा वो ही देश पर राज करेगा। अब वो तरकीब अब की बार आएंगे तब बता देंगे कि हमें क्या करना है। सर, लगातार देश में धर्मांतरण की बात की जा रही है, क्या है, किस तरह से? देखो भाई साहब, हम ये कुछ नहीं जानते, हम तो मानववादी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध और किसी जातियों का भानु चरण वंदन करता है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रदीप मिश्रा लगातार बने हुए हैं। प्रदीप मिश्रा, जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत पर आरोप लगे हुए हैं और आरोप जो है गंभीर लगाए जा रहे हैं भानु प्रताप की ओर से, क्या है पूरा मामला? मैं आपको कैलर का मामला है ये, जहाँ भानु प्रताप जो है एक जनसभा को संबोधित करने आए थे, क्योंकि एक दिन पूर्व भी राकेश टिकैत ने बैजू के अंदर जनसभा को संबोधित किया है और जनसभा में उन्होंने कहा था कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी अगले दिन ही भानु प्रताप आते हैं और जनसभा को संबोधित करते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि जब उनसे प्रश्न किया गया कि आपके राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि आपकी जो किसान यूनियन है तमाम भ्रष्टाचारी लोग लगे हुए हैं, तमाम माफिया लोग उसमें शामिल हैं, तो उसी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत सबसे पहले माफिया है, जो है उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, केंद्र सरकार उनकी जांच कराए। वही उन्होंने यूपी सरकार की तारीफ की, वही केंद्र सरकार की बुराई करते नजर आए। जी प्रदीप मिश्रा, जिस तरह से राकेश टिकैत पर आरोप लगे हैं, राकेश टिकैत की तरफ से कोई बयान सामने आ पाया अभी तक? देखिए, अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन भानु प्रताप साहब जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस प्रकार जांच की आवश्यकता है, उस पर जांच होनी चाहिए, केंद्र सरकार को उस पर जांच करानी चाहिए और जांच के बाद ही जो जितने भी उन्होंने कहा है, जितने भी किसान नेता है, उनकी जांच हो कि इनकी संपत्तियां कहाँ से आई, इनका कोई कारोबार तो है नहीं, इसकी संपत्तियां कहाँ से अर्जित कर रहे हैं ये लोग। जी 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 जी, जिस तरह से भानु प्रताप की ओर से ये बयान दिया जा रहा है, उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी तक राजनीतिक गलियारों पर तो शांति है, मतलब किसी को कोई बयान इसके बाद में नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार से भानु ने गंभीर आरोप लगाए राकेश टिकैत पर, लगातार आरोप लगाते रहते हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि राकेश टिकैत जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, राकेश टिकैत की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जांच के बाद पता लगा है केंद्र सरकार जांच कराए उसकी, उसके बाद पता लगा है क्या स्थिति है सामने आती है। जी प्रदीप, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान को दो गुटों में बांटने की कोशिश की जा रही है भानु प्रताप की ओर से? आपकी बात बिल्कुल सही है, किसान दो गुट में बैठे हुए हैं, भानु प्रताप गुट और राकेश टिकैत लगातार सरकार केंद्र सरकार के प्रदेश सरकार के खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन भानु प्रताप गुट जो है लगातार सरकार के पक्ष में बयानबाजी कर रहा है, लगातार सरकार के पक्ष में चल रहा है और जैसे देखा जाए कि योगी जी लगातार तारीफ की, समाजवादी पार्टी बसपा कांग्रेस पर मतलब कटाक्ष करी है उन्होंने, लेकिन बीजेपी की तारीफ करी है, लेकिन भाई केंद्र सरकार की जो उन्होंने बुराई करी है और जो प्रदेश सरकार की तारीफ करी है योगी जी की,
जी प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। संभल में सवारियों से भरी तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है और बस के खाई में गिरने से हड़कंप मच गया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है और बस चंदौली से सवारियों को लेकर बबराला राजघाट जा रही थी। तो संभल से खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और खाई में बस जा गिरी है। हताहत होने की खबर अभी तक किसी के सामने नहीं आई है। और इसके साथ लगातार हमारे साथ ही प्रदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। प्रदीप मिश्रा, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है संभल में और बस जो है वो खाई में जा गिरी है। जी मैं आपको बता दूं, लगातार जिस प्रकार से कोहरा सामने आ रहा है, कोहरे को देखते हुए लगातार बस स्पीड पर जाम लगे हुए हैं। उस बाद खाई थी, खाई में बस जाके गिर जाती है और खाई में गिरती है। गरीब में भी रही कि उसमें कोई घायल नहीं हुआ है। यह पुलिस को सूचना मिली, लगातार पुलिस मौके पहुंची है। उन्होंने बस को बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन पहले घायलों को बाहर निकाला लेकिन उसमें सबसे गरीब मत जाती रही, कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। क्योंकि चंदौसी और बबराले के बीच की बस चलने वाली प्राइवेट बस रही है, लगातार दौड़ती है प्राइवेट बसें। लेकिन सावधानी मतलब यही थी कि उसमें कोई हदायत नहीं हुआ। लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्योंकि किस प्रकार से लगातार डंकावार बसें घूम रही हैं, कोई भी पर्यावरण अधिकारी जो है उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा, लगातार डंकावार बसें खूब चल रही हैं। जी प्रदीप, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बस खाई में जा गिरी है, क्या ड्राइवर जो है वो नशे की हालत में था, ऐसा कुछ मामला सामने आया है? नहीं, अभी तक ऐसा मामला नहीं आया है, सामने प्रकाश में नहीं आया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर था, बस को बताते हैं, तेज स्पीड में बस थी वो, लेकिन अचानक जो है कोहरा आ गया सामने से, तो कोहरे के कारण वो बस जो है खाई में जाके गिरी है। जी फिलहाल जो यात्री थे वो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं प्रदीप? जी यात्री सब सुरक्षित है, यात्री किसी को कुछ चोट नहीं आई, हल्की फुल्की चोट आई थी, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में और सरकारी हॉस्पिटल में जाकर दिखाया गया और प्रशासन अधिकारी और मौके पर पहुंच गए थे, उन्होंने बस को भी निकलवाने का प्रयास किया है। जी प्रदीप, कुछ मामला सामने आ पाया है कि यह हादसा कितने बजे सुबह या रात्रि में कब हुआ था, ये कुछ सामने आ पाया? नहीं, सुबह का हादसा सुबह हुआ है। ये सुबह तड़के में जब बस निकलती है तो सुबह सुबह इस समय कोहरा आ रहा है, कोहरे के चक्कर में स्पीड कम हुई है। लेकिन कुछ बस जो है प्राइवेट वाहन है या आम जन है वो तेज से वहां जाती है गाड़ियों को अपने, उसी का कारण था कि बस जो खाई में आने गिरी। जी प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। संभल पुलिस ने दो दिन पहले पड़ोसी के घर में मिले युवक के शव का खुलासा कर दिया है। मामला अवैध संबंध का है। अवैध संबंधों के कारण आरोपियों ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी और पुलिस ने हत्या आरोपी मामा भांजे को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस ने हत्या में उपयोग किया हथियार भी बरामद कर लिया है। तो संभल से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और बताया जा रहा है कि संभल पुलिस ने दो दिन पहले पड़ोसी के घर में मिले युवक के शव का खुलासा कर दिया है और जो मामला है पूरी तरह से अवैध संबंध का बताया जा रहा है। अवैध संबंध के कारण आरोपियों ने युवक की पीटकर हत्या की थी और पुलिस ने हत्या आरोपी मामा भांजे को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस ने हत्या में उपयोग हुआ सामान जो था हथियार बरामद कर लिया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ संभल से प्रदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। प्रदीप मिश्रा, जिस तरह से मामला सामने आया, अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या कर दी गई है, पूरा मामला क्या है? जी मैं आपको बता दूंगी, ये चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मामला है, सुलेखान मोहल्ली का मामला है ये, जहाँ पर मतलब एक व्यक्ति जो है उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला से अवैध संबंध चल रहे थे और लगातार वो मतलब उसका विरोध भी चल रहा था। लेकिन उसी कार बाद सुबह ही सुबह वो व्यक्ति पहुंचता है वहाँ घर पर पकड़ाता है, तो उसके बाद उसके मामा और भांजियन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और हत्या कर सिर्फ एम्बुलेंस में देखकर अस्पताल में भेज दिया, एम्बुलेंस में रखकर। उसके बाद घर पर परिजन को सूचना मिलती है, परिजन में कोहराम मच जाता है सूचना पर, उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, पोस्टमार्टम के लिए ले देती है। लेकिन हत्या नामदर्ज मतलब मुकदमा उसमें दर्ज कराया था उनके भाई द्वारा, तो उसके बाद पुलिस जांच में करती है तो उसमें सत्य निकलता है और मामा और भांजे को गिरफ्तार करके इसका खुलासा कर दिया था। जी प्रदीप, जिस तरह से आरोपी जब युवक को पीट रहे थे तो क्या आसपास जो लोग मौजूद थे उनको भनक नहीं लग पाई इस बात की?
ये सुबह सुबह का वक्त था, सुबह सुबह लोग अपने अपने घर में लगभग सोते ही हैं। इस सुबह फजर की नमाज जो होती है, फजर की नमाज के बाद में ये व्यक्ति जो गया था पड़ोस में, पड़ोस में रहने वाली महिला से उसके अवैध संबंध थे, अवैध संबंधों को लेकर इसकी हत्या की गई है। जी प्रदीप, इसमें जो हथियार बरामद हुए हैं वो कौन से हथियार है, कुछ सामने आ पाया है किस तरीके से युवक की हत्या की गई है? जी अभी तक जो पुलिस खुलासा कर दिया है, पुलिस अभी तक इस बयान देने से बच रही है कि क्या है क्या नहीं है। इस प्रेस ने जारी किया है उसने हथियार खोले रहे कि जो मारा गया उसका धारा हथियार से उसकी हत्या की गई थी। जी पुलिस प्रशासन का भी क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर प्रदीप? मैं बताऊँ आपको, खुलासा कर दिया गया है, प्रेस नोट मतलब पीआरओ ग्रुप पर डाल दिया गया था और उसका वीडियो डाल दी गई थी, लेकिन उसके बाद हमने अधिकारियों ने लगातार करना चाहा कि इसमें बाइट दे दी जाए, एक ऑफिशियल बाइट होनी चाहिए, लेकिन कोई भी अधिकारी ऑफिशियल बाइट देने के लिए सामने नहीं आया। और जब कप्तान तक फोन मिलाते हैं तो उनको पीआरओ फोन उठाते हैं, कप्तान लगातार फोन मतलब फोन पीआरओ के पास आता है और लगातार पीआरओ फोन उठाता है और कप्तान साहब को बिजी बुला देता है। जी प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आपको संभल से खबर बता रहे थे जहां पर पुलिस ने दो दिन पहले पड़ोसी के घर में मिले युवक के शव का अब खुलासा कर दिया है। बता दें आपको कि दो दिन पहले युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी और मामला जो है अब अवैध संबंध का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के कारण ही आरोपियों ने युवक की जो है पीट पीट कर हत्या की थी और जिसके बाद पुलिस ने हत्या आरोपी मामा भांजे को अब गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि दो दिन पहले ये पहले का ये मामला है, संभल से मामला सामने आया था जहां पर युवक की लाश घर में मिली थी और जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था और मामले का खुलासा हुआ है कि अवैध संबंधों के कारण आरोपियों ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी है और पुलिस ने हत्या आरोपी मामा भांजे बताए जा रहे हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और साथ ही पुलिस ने जो हत्या में इस्तेमाल हुआ था बरामद हथियार भी कर लिया है। आपको बता दें कि हथियार जो इस्तेमाल किए गए थे मामा भांजे की ओर से वो भी बरामद कर लिया गया है। तो संभल से आपको खबर बता रहे थे जहां पर युवक की हत्या कर दी गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।